वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विस्की स्टोन को कैसे यूज किया जाता है अपना विस्की में। हालांकि ये एक आसान सा काम है, इसके लिए आपको कोई मशक्कत नहीं करना पड़ेगा या कुछ भी सीखने लायक है नहीं, बट फिर भी आपका नॉलेज के लिए मैं आज आपको दिखाऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और करते क्यों है, क्या ये बहुत जरूरी है इस्तेमाल करना, फायदा क्या है। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है। चलिए तब तक इसको थोड़ा साइड करते हैं और पहले बात करते हैं कि इससे क्या मिलने वाला है। जैसे ही आप विस्की स्टोन्स को यूज करते हैं ग्लासेस में, तो विस्की एक अलग किस्म का ठंडापन आपको देता है। ये जो स्टोन है ये ठंडा होता है, ये जैसे विस्की के कांटेक्ट में आता है बिना पानी छोड़े ये विस्की को ठंडा कर सकता है, और इसके बाद आपको मिलता है एक रिफ्रेशिंग चिल ड्रिंक। अक्सर स्कॉच विस्की इंडस्ट्रीज रिकमेंड करते हैं कि आप विस्कीज को नीट पिए। कभी कभी हम लोगों को बहुत दिक्कत हो जाता है नीट पीने में, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है और इंडिया में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ह्यूमिडिटी और हॉट कंट्री के कारण काफ़ी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए रिकमेंड किया जाता है कि आप विस्की स्टोन यूज़ कर सकते हैं या स्टेनलेस स्टील चिलिंग स्टोन को भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कायदे बहुत है, तरीके बहुत है विस्की पीने का, और टोटली डिपेंड करता है ये आपके ऊपर, आप कैसे विस्की को एंजॉय करोगे या पियोगे, या आपको सबसे जो अच्छा लगता है आपको हमेशा वही करना चाहिए। बट जब बात आता है सोशल ड्रिंकिंग का, तब जाके मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पर आप कुछ अगर गलत करेंगे कोई मुंह पे तो नहीं बोलेगा, बट पीछे जाके हंसेगा ज़रूर। आज इस वीडियो में मैं आपको पहले डेमोंस्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि ये सब स्टोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बहुत आसान एक प्रोसेस है, बहुत ही आसान, बट उसके बाद मैं उसके पीछे जो साइंस है वो डिस्क्लोज करूंगा और आपको समझाऊंगा कि क्यों ज़रूरी है। कभी कभी हम लोग बहुत अच्छा सिंगल मॉल्ट को यूज़ करते हैं, स्पेशली रिकमेंड किया जाता है जब भी आप सिंगल मॉल्ट पिए, तो इन सब स्टोन का काम बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए पहले डेमोंस्ट्रेट करके आपको दिखाते हैं कि कैसे पियेंगे। और जैसे कि मेरे पास है एक ओल्ड फैशन ग्लास, तो मैं प्लेस करूँगा ओल्ड फैशन ग्लास को यहाँ पर, और मैं यहाँ पर विस्की स्टोन्स को प्लेस करूँगा यहाँ पर। आपको जितना ठंडा चाहिए, जैसे कि 2, 3, 4, मैं 4 स्टोन को प्लेस करूँगा। आइस जैसे ऐड करते हैं, एज इट इज आइस, और मैं 30 ml एल्कोहल को डालूंगा, 30 ml। बस यही है प्रोसेस। अब इसको थोड़ा रखने से ही आपका जो विस्की है ये रिफ्रेशिंग चिल्ड हो जाएगा और कोई भी पानी इसमें ऐड नहीं करेगा। फ्रेंड्स, ऐसा करने से विस्की हल्का चिल्ड हो जाएगा, जो इंडियन क्लाइमेट के लिए अल्टीमेट है। देखिए, अभी मैं पसीना पसीना हो रहा हूँ, तो इसमें हल्का चिल्ड हो जाने से बहुत अच्छा लगता है। और एक बात है कि ये इतना माइनर चिल्ड करता है कि विस्की का जो नेचुरल अरोमाज है, जो फ्रेग्रेंस है, नोट्स है, वो आपको मिलता है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि ग्लास ऑलरेडी फ्रॉस्टेड हो चुका है और विस्की काफ़ी चिल्ड भी हो रहा है धीरे धीरे। तो ये है टेक्निक। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि ये स्टेनलेस स्टील का आइस क्यूब्स ठंडा कैसे रख सकता है। अगर ये क्यूब का मैं बात करूं तो ये स्टेनलेस स्टील 304 को इस्तेमाल करके किया गया है, और 304 जो है ये एक फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील है, और अंदर में ये क्यूब के अंदर में एक फूड ग्रेड जेल है जो काफ़ी देर तक आइस को चिल्ड रखता है, आप जब ग्लास में विस्की को डालते हो। और इसका यूनिक स्क्वायर डिज़ाइन स्टेनलेस स्टील का बॉडी काफ़ी मात्रा में कूलिंग करने में मदद करता है आपका विस्कीज को। और तो और मैं बोलूँगा कि ये फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील के कारण ये काफ़ी हेल्दी भी है। इसमें और एक फ़ायदा है कि ये आइस नहीं है। आइस में अक्सर जो पानी को यूज़ किया जाता है वो कैसा पानी से बनाया गया है आपको मालूम नहीं है, क्लोरीनेटर है या नॉन क्लोरीनेटर है, क्या है मालूम नहीं है। आप अगर विस्की में डालोगे तो विस्की ख़राब भी हो सकता है, मतलब उसका टेस्ट चेंज हो सकता है। तो ये बहुत सेफ़ है, इस हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये काफ़ी सेफ़ है। तो ये एक अल्टीमेट चॉइस हो सकता है आपका, अगर आप विस्की का एक्सपीरियंस को दुगना तिगुना और छगुना करना चाहते हो तो।
और एक बात है कि यू कैन क्लीन इट इजीली, बहुत जल्दी आप उसको क्लीन कर सकते हैं, सिंपली हॉट वाटर से रेंस करके आप इसको क्लीन कर सकते हैं। और एक सुपर पावर है इस बॉल्स में और ये मेटल आइस क्यूब्स में, ये है कि आप अगर फ्रीजर में डाल दोगे, डीप फ्रीजर में, तो ओनली 45 मिनट्स लगता है इसको सुपर चिल्ड होने में। तो विद इन 45 मतलब एक घंटा भी नहीं लगता है, आप इसको सुपर चिल्ड करके लेकर जा सकते हैं कहीं भी पिकनिक करने के लिए या कहीं भी आपको अगर विस्की का मजा उठाना है तो। और एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ, जब भी मैं अपना विस्की को पीता हूँ तब मैं थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा टैनी सा पानी यूज करता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, देखिए, बस 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 डैश ऑफ वाटर, और ये आपका विस्की को यूनिक टेस्ट देता है, क्योंकि इसका ऑयल का जो सरफेस है वो साइड हो जाता है और जितने भी अरोमास है, फ्रेग्रेंस है, वो एकदम अल्टीमेटली निकल के आता है। याद रखिएगा कि जब भी आप ये स्टोन यूज करेंगे अपना ग्लास में, अगर वो थिन और पतला ग्लास हुआ तो ज़्यादा उसको शेक मत कीजिए और ज़्यादा वायलेंटली उसको ऐसे ऐसे करके मत घुमाइए, ग्लास टूट जाएगा, क्योंकि ये मेटल बॉल है और काफ़ी भारी भी है क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील का है। तो लास्ट एक सिप लेता है आपके नाम। Fantastic. क्या कहना, होपफुली ये वीडियो को अच्छा लगा, अगर सच में अच्छा लगता है तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं वहां से। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए कॉकटेल ने मॉकटेल ने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू वेरी सून।